गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द लीस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी गिवन टू नंबर स्मॉल ए सो दैट द नंबर 918768A2 इज डिविजिबल बाई 8. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल बाई 8 मालूम होना चाहिए. आपको मैंने क्लास 6 से पढ़ाया था कि अगर लास्ट के 3 डिजिट या तो आपके 000 या आपके वो लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 हो, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 8. अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर लास्ट के जो डिजिट आ रहे हैं वो 6A2 आ रहा है. अब स्टार्ट करते हैं 0 से. अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 602. चेक करके देखिए, 8 7 56, ये आपका डिविजिबल नहीं हो रहा है. अब आप रख के देखिए 1 6 1 2 8 7 56 5, ये भी नहीं हो रहा है. अब आप रख के देखिए यहां पर 2 रख के देखते हैं, 8 7 56 6, ये भी आपका नहीं हो रहा है. अब आप रख के देखिए 3 6 3 2 8 7 56, ये आपका आ जाएगा 8 9 72, बिल्कुल सही आ रहा है. यानी यहां पर इस स्मॉल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, जो आपका एक सिंगल डिजिट है. तो यहां पर अगर ए की वैल्यू 3 है, पहले आपने क्या रखा, 0 रखा, नहीं हो रहा है. फिर आपने 1 रखा, नहीं हो रहा है. फिर आपने 2 रखा, नहीं हो रहा है. फिर आपने 3 रखा, आपने देखा कि 3 रखने पर ये 8 से क्या हो रहा है, ये नंबर जो है 632 इज डिविजिबल बाय 8. तो देन द बाय द रूल गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8. तो यहां पर क्या आएगा, स्मॉल ए की जगह 3 आ जाएगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, 1P × P = Q6, और साथ में एक कंडीशन भी रखी है, Q − P = 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. सबसे पहले ट्राई करते हैं 0 से. 0 0 जब इंटू करेंगे तो यहां 0 आएगा, यानी कि 0 रखने पर बात नहीं बन रही है. अब रखिए 1 रखा आपने तो भी यहां 1 नहीं आ रहा है. रखा आपने 2 2 × 2 = 4, वो भी नहीं हो रहा है. 3 × 3 = 9, वो भी नहीं हो रहा है. अब रख के देखते हैं 4. अगर आपने 4 रखा प्यारे बच्चों, तो 4 ये आपका 56 आ रहा है. अब देखिए, अब अगर आप Q − P करते हैं, क्यू 5 है और पी आपका 4 है, तो ये तो आपका 1 आ रहा है, जबकि आपको क्या दे रखा है कंडीशन, आपको 3 लेके आना है, यानी कि 4 रखने पर भी बात नहीं बन रही है. अब 5 रख के देखेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि 5 = 25 होता है. 6 रख के देखेंगे तो चेक करते हैं, 6 से 16 6 = 96 होता है. अब देखिए आप इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. यानी कि यहां पर Q की वैल्यू 9 है और P की वैल्यू 6 है, तो 9 − 6 = 3, तो ये आपका ये आंसर नहीं होगा. आपका आंसर जो है वो होगा Q की वैल्यू 9 और P की वैल्यू 6. आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. इफ 1AB CCA इनको ऐड किया तो आपका क्या आया, 697. यानी कि कहीं भी कोई कैरी की कोई गुंजाइश नहीं है, और लिखा भी हुआ है एंड देयर इज नो कैरी इन एडिशन. तो इसको ध्यान से किया जाए, सबसे पहले तो मुझे एक वैल्यू को पता लग गया, यहां पर 5 होगा, सी की वैल्यू 5 आ गई, क्योंकि 5 + 1 = 6 होता है. अब आप कहेंगे सर आपने यहां से क्यों स्टार्ट किया, यहां से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि लिखा हुआ है देयर इज नो कैरी इन एडिशन. अब यहां पर आपकी वैल्यू आ गई, यहां पर आप लिख लीजिए 5BA, यहां पर आपका हो गया 697. अब देखिए प्यारे बच्चों, मुझे A की वैल्यू भी पता लग गई, 4. A की वैल्यू क्या आएगी, 4 4 + 5 = 9 होता है. अब यहां देखिए, A की जगह अगर आप 4 रखेंगे
तो यहां बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब आप चेक करके देख लीजिए कि आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है। 3 + 4 = 7, 5 + 4 = 9, 5 + 1 = 6, बिल्कुल सही आ रहा है। यानी सी की वैल्यू आपकी 5 आएगी, ए की वैल्यू 4 आएगी और बी की वैल्यू आपकी क्या आएगी प्यारे बच्चों, 3 आएगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब आपसे पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी, तो 4 + 5 = 9, 9 + 3 = 12, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू आपकी 3 है और सी की वैल्यू 5 है, तो ये आपका 12 आ जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ए 5 डिजिट नंबर ए ए बी ए ए इज डिविजिबल बाय 33, राइट ऑल द नंबर्स ऑफ दिस फॉर्म। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो ए और बी की डिजिट्स हैं ये आपकी सिंगल डिजिट है, ये आपको ध्यान रखना है। ए सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, डिविजिबल बाय 33। अब 33 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 3 और 11। यानी कि आपको यहां पर चेक करना पड़ेगा, ये आंसर 4 है आपको, चेक द डिविजिबिलिटी, चेक द डिविजिबिलिटी, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 3 और 11। सबसे पहले क्योंकि 33 की फैक्टर हुआ है 3 और 11, तो 33 की डिविजिबिलिटी अगर आपको नहीं पता है, वो किसी को भी नहीं पता होगी, हम लोग को 1 से लेकर के 11 या 17 तक याद रहती है। तो आइए अब हम लोग इसको एक ट्रिक से करते हैं। 33 के फैक्टर क्या हुआ है, 3 और 11। अब आप इसको सबसे पहले चेक करिए 3 से। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, ए प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस ए। अब देखिए ध्यान से, अगर आप चेक कर रहे हैं इसको, इसको आप चेक कर रहे हैं, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 3, तो अब अगर इनका सम अब या तो 0 आ जाए या 3 आ जाए या 6 आ जाए या 9 आ जाए या 12 आ जाए, इस तरीके से आपका अगर ये इस टाइप का आ जाता है लास्ट में, तो ये जो आपका इन सब का सम अगर आपका मल्टीपल ऑफ 3 0 3 6 9 12, तो आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। तो ध्यान से ये आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आप जरा डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक करके देखते हैं, चेक द डिविजिबिलिटी, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको बताया था, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इवन प्लेसेस इज इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इवन प्लेसेस इज इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो देखिए ध्यान से इसको, मैंने आपको किस तरीके से समझाया था, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए, यानी क्या आ रहा है आपका, ए प्लस ए प्लस ए प्लस बी प्लस ए, ये आ रहा है आपका माइनस ए प्लस ए। अगर ये आपका 0, 11, 22 और इस टाइप से आता है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो नंबर 11 से डिवाइड डिविजिबल हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये कितना हो गया आपका 2a + b - 2a इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका b की वैल्यू क्या आ गई, यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि b की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब अगर आपने b की वैल्यू को 0 किया, अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर b की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर अब यहां पे क्या हो रहा है, a प्लस a प्लस a प्लस a 4a 4a प्लस 0 इक्वल टू, अब यहां पर अगर आप 0 रखते हैं तो a की वैल्यू 0/4 आएगी, जो हो नहीं सकता क्योंकि a की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी सबके सब 5 डिजिट में थोड़ी 0 होगा, इसका मतलब 0 है। अब अगर यहां पर आप 1 रखा तो बात नहीं बन रही है, 4a प्लस 0 इक्वल टू 3 रख के देखिए, तो a इक्वल टू क्या आ जा रहा है, ये आपका फ्रैक्शन में आ जा रहा है। अब अगर यहां पर आप रखते हैं 6, अब यहां अगर आप रखते हैं 6 तो भी दिक्कत हो रही है, अगर आप रखते हैं 9
तो भी दिक्कत हो रही है। अगर आप रखते हैं 12, अगर आप रखते हैं 12 तो यहां पर एक वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ जा रही है, जो कि सिंगल डिजिट में आ रही है। तो एक की वैल्यू अगर 3 आ गई, ठीक है, एक की वैल्यू 3 आ गई तो हम लोग को आंसर मिल गया आपका, यहां पे क्या आएगा, 33033, एक नंबर हम लोग को मिल गया। अब आप यहां पे 15 रख के देखिए, क्योंकि सिंगल डिजिट में अभी 3 आया है। अब आप यहां 15 रख के देखिए तो 15/4 हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। अब आप यहां पे 18 रख के देखिए, 18 रख के देखेंगे तो क्या आएगा आपका, अगर आप 18 रखते हैं तो भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब आप रखिए 21 रख के देखेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। अब आप रखिए 24 से बात बन जाएगी, 24 से क्या आ रहा है, ए की वैल्यू 6 आ रही है। 24 अगर आप रखते हैं यहां पर तो आपका यहां पे ए की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, यानी कि दूसरा नंबर क्या हुआ, 66066, ठीक है। अब आप 27 रखेंगे तो भी बात नहीं बन रही है, ठीक है। 30 रखेंगे तो भी बात नहीं बन रही है, 33 रखते हैं तो भी बात नहीं बन रही है, 36 रखते हैं तो बात बन जाएगी, 36 रखेंगे तो एक वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 36 रखते हैं तो एक वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 9 आ रही है, एक वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, मैं यहां पर आपको समझा दे रहा हूं, फर्स्ट नंबर क्या आएगा, 33033, सेकंड नंबर क्या आएगा आपका, 66066। ये मैं इसका आंसर यहां लिख दे रहा हूं, अभी आप इरेज कर दूंगा। अब देखिए और नेक्स्ट क्या आएगा, 99099, ये इसका आंसर है हमारा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कठिन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 212x5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 11, फाइंड एक्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे है। तो पहले हम लोग 3 पे चेक करते हैं, 2+1+2+x+5, ये आपका मल्टीपल ऑफ 3, मैंने आपको बताया था इस टाइप से लिखते थे हम लोग। और ये तो हो गया चेक बाय 3, अब आप चेक बाय 11 कर दीजिए, चेक बाय 11, ये क्या होगा, चेक बाय 11 का मतलब है, मैंने कहा था इसको काट दीजिए, फिर इसको काट दीजिए, फिर इसको काट दीजिए, ये आप एक तरफ ले लीजिए और इसको काट दीजिए 1 और x, ये आपने कर दिया। यहां पर क्या आएगा, अगर वो मल्टीपल ऑफ या तो 0 आ जाए या 11 या 22 या 33 एंड सो ऑन। अब आप ये देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए और वो भी सिंगल डिजिट में चाहिए। तो देखिए 2+1 3, 3+2 5, 5+5 10, 10, अगर आप 0 रखते हैं तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, अगर आप 1 रखते हैं 11 डिवाइड नहीं होगा, अगर आप 2 रखते हैं तो हो जाएगा। तो x की जगह अगर आपने 2 रखा तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, अगर आपने 3 रखा तो नहीं होगा, अगर आपने 4 रखा तो नहीं होगा, अगर आपने 5 रखा तो हो जाएगा, 5 भी आ सकता है, अगर आपने 6 रखा तो नहीं होगा, अगर आपने 7 रखा तो भी नहीं होगा, अगर आपने 8 रखा तो हो जाएगा, 9 होगा नहीं क्योंकि 9 से वो 19 हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपने यहां से पता कर लिया, अब इधर आइए, 5+2 7, 7+2 9, 9-, अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो वैल्यूज मैंने निकाली है, अगर आपने यहां रखा 2 तो 9-3 क्या होगा, 6 नहीं आ रहा है, 5 रख के देखिए, 9-6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो भी आपका मल्टीपल ऑफ 11 नहीं है। आप 8 रख के देखिए, तो 8 रखा तो 8+1 9, 9-9 0, यानी कि यहां पर x की वैल्यू को 8 रखने में आपकी दोनों, चेक द डिविजिबिलिटी बाई 11, चेक द डिविजिबिलिटी बाई 3, दोनों की दोनों सेटिस्फाई हो गई है, क्योंकि हमको मल्टीपल ऑफ 3 एंड 11 चाहिए, समझिए इसी क्वेश्चन को ही उसने इस टाइप से पूछ लिया है। तो यहां पर अगर x की वैल्यू 8 होगी तो आपका डिविजिबिलिटी बाई 3 भी चेक हो रहा है, और अगर आप x की जगह 8 रखते हैं तो डिविजिबिलिटी बाई 11 भी चेक हो रहा है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 8 आ जाएगी।